हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास टेंथ के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 1.2 के, जिसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 140, 156, इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों के रूप के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए हम इसको एक एक करके सबको बनाते हैं। तो सबसे पहले 140 का बना लेते हैं। 140 का इसको बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम करना होता है, तो हम कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जैसे आप आमतौर पे करते हैं वैसे ही करेंगे। ये दो से कट सकता है, 70 × 140 काट दिए। 70 भी कर सकता है दो से, तो 35 × 70 35 अब किसे 5 से कट सकता है, तो 5 × 7 = 35। ये देखिए बहुत सिंपल है एलसीएम क्या मैंने। इसके बाद यहाँ देखिए 2 आया है, 5 आया है और 7 आया है, लेकिन 2 दो बार आया है, तो 2 लिख करके ऊपर में 2 लिख देना है, मतलब स्क्वायर। अगर 2 3 बार आता है तो ऊपर में 3 लिखते, 2 4 बार आता है तो ऊपर में 4 लिखते। अब उसके बाद गुना देना हमको, 5 एक बार आया है तो 5 सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, ऊपर पे कुछ नहीं लिखना है। फिर गुना देंगे, फिर 7 आया है तो 7 पे लिखेंगे। देखिए 7 भी एक बार आया तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमको इसी तरह से लिखने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो ये इसका आंसर एक नंबर का फाइनल हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर के देखते हैं, 156। इसको भी ऐसे ही सेम करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम ये दो से कट सकता है, दो से कटेगा तो 3, और यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 178 आएंगे। 178 × 156 होता है, ऐसे आप काट लीजिएगा। फिर इसको दो से हम काट सकते हैं, 39 × 78। अब ये 3 से कट सकता है, 13 × 39, ठीक है। इतना तो बहुत छोटा सा काम है। अब देखना है, 2 आया है, 3 आया है और 13 आया है, लेकिन 2 दो बार आया है, तो यहाँ भी 2 लिख करके ऊपर में 2 लगा देना है। फिर गुना देना है। अब फिर देखिए 3 है, 3 लिख देंगे हम। 3 एक ही बार आया तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, 1 से ऊपर आएगा, 2 बार आया, 3 बार आया, जितना बार आया उतना उसके ऊपर लिख देना है। उसके बाद 13 देखिए, 13 भी एक बार आया तो हम भी एक बार लिख करके छोड़ देंगे। ये भी मेरा आंसर बन के फाइनल हो गया आंसर। उसी तरीके से हम तीसरा नंबर बनाते हैं, जिसमें कि 38 और 25 हैं। ये 38 25, तो सबसे पहले इसका भी वही एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम में ये किससे कट सकता है, तो ये 3 से कट सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि 3 से कट सकता है, तो कुछ ट्रिक होता है पता करने के लिए। अगर वो ट्रिक आप 6 क्लास में पढ़े हैं तो याद होगा, ये सब ट्रिक 6 क्लास में ही दिया होता है कि ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। वैसे ही मैं बता देता हूँ कि इन सभी को जोड़ने के बाद जो कुछ आए, अगर वो 3 से कट रहा है तो बाकी ये पूरा भी 3 से कटेगा। जैसे कि 3 और 8 11 2 13 5 18, टोटल जोड़ के 18 हो रहा है, और 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब पूरा संख्या 3 से कटने वाला है। तो मैं काट लेता हूँ, 3 × 3 या 8 है, 3 × 6 बचा 2 22, 3 × 7 = 21 बचा 5 × 1 = 15, 3 × 5 = 15। अब काट लीजिएगा भाग दे करके, अगर नहीं ऐसे काट पा रहे हैं, 38 25 को 3 से भाग दीजिएगा, 12 75 आपका भी आ जाएगा। अब देखिए 12 75 हुआ, अब ये किससे कटेगा, ये भी देखिए 2 1 3 3 7 3 10 10 5 15 15 3 से कट रहा, मतलब ये भी 3 से कटेगा, तो हम भी 3 से काट लेते हैं। 3 3 × 12 3 × 6 3 × 5 = 15। आपको ऐसे अगर काटना नहीं आता है तो आप भाग दे दीजिएगा, 12 75 को 3 से भाग दीजिएगा तो 425 आ जाएगा आपके पास। तो अब देखिए इसके बाद किससे कटेगा, 4 2 6 5 11 11 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटने वाला है। एक और ट्रिक है, अगर किसी संख्या के
पहला अंक है, इकाई अंक है, अगर 5 है या 0 है तो वो टोटल अंक है 5 से कट सकता है, या आप बचपन से पढ़े होंगे जैसे कि 205 है, ये अंक 5 है, पहला अंक है तो ये टोटल 5 से कटने वाला है, जैसे कि 25 है, पहला अंक 5 है तो ये 25 5 से कट जाएगा। उसी तरह से जैसे 125 है, पहला अंक 5 है तो टोटल अंक 5 से कटेगा, तो यहाँ भी पहला अंक यानी इकाई अंक 5 है तो ये भी 425 5 से कटेगा, तो हम काट लेते हैं 5, 5 8 40, 2 5 25, 85 हुआ, वैसे आप भाग दीजिएगा। उसके बाद देखिए 85 कैसे, मैंने कहा कि इकाई अंक अगर 5 है तो टोटल 5 से कटेगा, वैसे भी 17 5 85 होता है, तो हम काट लेते हैं इसको भी 5 से, 17 5 85। अब देखिए यहाँ मेरे पास क्या क्या है, 3 आया है, उसके बाद 5 भी आया है, उसके बाद 7 भी आया है, 3 देखें क्या बार आया है, 3 दो बार आया है, तो ऊपर में 2 लिख देंगे, गुना देखें, फिर देखें 5 कितना बार आया है, 5 दो बार आया है, 5 देखें ऊपर में 2 लिख देंगे, फिर गुना देंगे 17 एक ही बार आया तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी आंसर मेरा बन गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं चौथा नंबर जिसमें है कि 5005, इसको उतार लेते हैं, 5005, इसका भी वही काम करेंगे, 5000 के एलसीएम लेंगे, 5005 का एलसीएम लेंगे। अब किससे एलसीएम लेंगे, तो मैंने कहा एक आएंगे अगर 5 है तो टोटल 5 से कटेगा ही कटेगा, तो 5 से हम एलसीएम लेंगे और ये कितने पूरा कटेगा, तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, 1001 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 1000 × 5 5000 और 1 × 5 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किससे कटेगा, उसके बाद देखिए ट्रिक आपको कितना बताएं बार बार, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक अलग वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, आप कमेंट में बताएं अगर आपको चाहिए ट्रिक की कौन सा संख्या किससे कटेगा, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो कितना आएगा, ये भाग दे के रखा है मैंने, आप भी भाग दीजिएगा, भाग दे के आएगा 100, भाग दे के आता है 143। उसके बाद अब ये किससे कटेगा, तो अब ये 11 से कट सकता है, 11 से भाग देंगे तो बच जाएगा ये 13। अब ये 7 11 13 से कैसे कट जाएगा, ये ट्रिक मैंने कहा, फिर भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 5 आया है, 7 आया, 11 आया, 13 आया है, 5 आया, 5 दे दिए, 5 एक ही बार है तो ऊपर में कुछ नहीं लिखना, फिर गुना देंगे 7 लिखेंगे, 7 भी एक ही बार है कुछ नहीं लिखेंगे, गुना लिखेंगे, 11 है 11 लिख देंगे, फिर गुना देंगे और 13 लिख देंगे, हर चीज़ एक ही बार है तो एक ही बार लिख करके छोड़ दिए, ये हो गया मेरा आंसर। इसी तरह से अब चलते हैं मेरा लास्ट जो है 74 29, इसका भी बना ही लेते हैं, तो सबसे पहले उतार लेते हैं 74 29 किससे कटेगा, ये सब भी ट्रिक उसी में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट कट में बता रहे हैं, 74 29 को अगर हम 17 से काटेंगे, 17 से तो ये हमारा 437 आ जाएगा 17 से, और इसके बाद अगर 437 को भी अगर हम काटना चाहें तो ये 19 हम काट सकते हैं जो कि 23 आएगा। अब 23 तो कोई चीज़ कटने वाला है नहीं, अब फिर उतार लेते हैं, 17 आया 17 उतारे, 19 आया 19 उतारे, गुना देखे फिर 23 आया 23 उतारे, 17 के ऊपर कुछ नहीं है, 17 एक ही है तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना, 19 भी एक है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना, 23 भी है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे मैं फिर फिलहाल एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एलसीएम करने के बाद जो कुछ भी आता है उसको आप एक एक सीरियल गुना देते ही उतारते चले गए, जैसे 2 आया 2 दिए, 5 आया 5 दिए गुना के बाद, फिर 7 आया 7 दिए, बस ऊपर में 2 बैठाना 3 बैठाना, अगर 2 बार आया तो 2 बैठाइएगा, 3 बार आया तो 3 बैठाइएगा, फिर 5 को देखिएगा, 5 एक बार आया तो 1 बैठाइएगा, 2 बार आएगा तो 2 बैठाइएगा, 7 देखिएगा, 7 एक बार आया कि 2 बार आया कितना बार उतना बार बैठाइएगा, इसी तरह से मैथ बनाते जाइएगा, क्वेश्चन में यही कहा गया और यही आंसर किताब से मिलता भी है। मेरे ख्याल से आपको अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर बताएं
और मैं उस कमेंट का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक